हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका, मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मानसून आ गया है, बच्चे बड़े सभी चाय के साथ पकोड़े का डिमांड करना शुरू कर दिए हैं, तो आज हम दुधी का पकोड़ा बनाने जा रहे हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसे बनाना कितना आसान है और ये कैसे कड़ाड़ेदार बन के तैयार होता है। तो चलिए हम फटाफट इसे बनाना शुरू करते हैं। लौकी यानी कि दुधी का पकौड़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है दुधी, एकदम फ्रेश ताजी ताजी दुधी है जिसे हमने धो के पोंछ लिया है। बेसन, मैदा, सूजी, अमचूर पाउडर, अजवाइन, हींग, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, नमक और फ्राई के लिए हमने सरसों का तेल लिया है। तो चलिए हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। पकोड़ा बनाने के लिए हमें एक बड़ा बॉल लेना है और इसमें बेटर बनाने के लिए सारे इंग्रेडिएंट डालने हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे बेसन, मैदा, यहाँ पे आप आरा रोट भी ले सकते हैं, सूजी, हम डालेंगे एक चम्मच भर के धनिया पाउडर, दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तो मिर्च आप अपने तीखा के अनुसार एडजस्ट कर लीजिए, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला, अजवाइन जिसे हमने हथेली पे क्रश करके रख लिया है, अमचूर पाउडर, अमचूर पाउडर से पकौड़े में चार चांद लग जाता है। अब हम डालेंगे यहाँ स्वाद के अनुसार नमक, तो हम दो चम्मच नमक ले रहे हैं। फाइनली हम पेस्ट को टेस्ट करके फिर डालेंगे कम ज्यादा है तो। और हम इसमें डाल लेंगे चुटकी भर हींग, चुटकी भर हींग डालेंगे हम। अब हम इसमें पानी डाल के एक बढ़िया सा घोल बनाएंगे, तो हम एक विक्स की मदद से ऐसे फेंटते हुए और थोड़ा थोड़ा पानी डलाते हुए बेटर बनाएंगे। एक साथ में हम ज्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि अपनी बेटर पतली नहीं बनानी है, गाढ़ी बनानी है, तो ऐसे हम फेंटते हुए बनाएंगे। आप देख सकते हैं अपने पकौड़े के लिए हमने घोल तैयार कर लिया है। ऐसे ही कंसिस्टेंसी चाहिए पकौड़े की घोल की। तो यहाँ पे हमने उन लोगों के लिए ये घोल बनाया है जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, पर हम यहाँ पे डालेंगे लहसुन प्याज और मिर्च का पेस्ट। तो ये हमने लहसुन प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट बना के फ्रिज में रख लिया है, उससे हम डाल रहे हैं दो चम्मच। अगर आप नहीं खाते हैं तो नहीं डालिएगा। ये इंग्रेडिएंट्स हमने इसके लिए सबके साथ में नहीं दिखाया था। अब हम इसे भी अच्छे से घोल लेंगे, इससे पकौड़े की स्वाद बहुत बढ़ जाता है। अब हम पेस्ट को थोड़ा सा ढक के छोड़ देंगे। जब तक अपना बेटर फूल रहा था तब तक हमने दुधी के छिलके हटा के उसको धो के सुखा लिया है। अब हम इसके पतले पतले स्लाइस काटेंगे, तो ध्यान रहे जितना बारीक आप दुधी का पकौड़ा काटेंगे उतना ही कड़ाड़ेदार ये बन के तैयार होता है। तो ऐसे हम सभी पकौड़े पहले काट लेंगे। हमने एक बैच पकौड़े तैयार कर लिए हैं। अब हम एक फोक की मदद से इसे अच्छे से बेटर में डुबा लेंगे। अब चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। हमने गैस पे तेल गर्म होने के लिए रख लिया है। अब एक एक पकौड़े को हम ऐसे उठाएंगे, दोनों साइड से अपनी बेटर लिपट चुकी है और धीरे से हम तेल में छोड़ देंगे। एक साइड से अपनी पकौड़ा पक चुकी है, यानी कि एक साइड से फ्राई करने में हमें 2.5 से 3 मिनट तक देना होता है समय, फिर हम इसे फ्लिप करेंगे। आपको लग रहा है ये आलू के पकौड़े नहीं हैं, दुधी के पकौड़े हैं। सभी पकौड़े हमने उलट लिया है, दूसरे साइड से हम 2.5-3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
तो आप देख सकते हैं हमने दोनों साइड से उलट पलट के कद्दू के पकौड़े को फ्राई कर लिया है, बिल्कुल कड़ाड़ेदार हो चुके हैं। कद्दू के पकौड़े फ्राई करने में 8 से 9 मिनट लग जाते हैं क्योंकि ये बहुत रसेदार होती है। अब हम इसे झड़नी से टेढ़ा करते हुए प्लेट में डिश आउट कर लेंगे। तो ऐसे हम टेढ़ा कर लेंगे, एक्स्ट्रा तेल गिर जाएगा और इसे हम एक प्लेट में ऐसे निकाल लेंगे। तो आपने देख लिया कद्दू का पकौड़ा बनाना कितना आसान है। चलिए हम इसकी प्लेटिंग करके दिखाते हैं। यहाँ पे हमने प्लेट में हरी हरी चटनी ले ली है। अब हम एक एक पकौड़े ऐसे सजाएंगे। आप देख सकते हैं बारिश में कितनी मज़ेदार ये पकौड़ा तैयार हुई है। इस पकौड़ा को आप ज़रूर बनाइएगा। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया दुधी का पकौड़ा कितना कड़ाड़ेदार और कितना आसानी से बन के तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया दुधी का पकौड़ा कितना कड़ाड़ेदार बन के तैयार हुआ है। इस रेसिपी को आप भी बारिश में ज़रूर ट्राई कीजिए, आपके भी घर में खुशियाँ झूम उठेगी। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।